हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान की या संपूर्ण बाल मनोविज्ञान की, कंप्लीटली साइकोलॉजी की। तो तैयार हो जाओ जल्दी से और एक रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाओ जल्दी से। जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ वो आपको नोट करते चलना है। ये एक वीडियो आपको नौकरी तक पहुंचा के लेके जाएगी। जी हाँ, ये सिर्फ यूपी टेट में ही नहीं बल्कि डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में काम आने वाली है, क्योंकि सब में साइकोलॉजी आपकी पूछी जाती है। 30 मार्क्स की साइकोलॉजी कहीं नहीं कटती, कंप्लीट आपकी आती है। और सीटेट में तो आपकी 75 नंबर की आपकी पैडागोजी ही आती है, तो उसमें बहुत ज्यादा काम करेगी। फिलहाल आपका यूपी टेट आने वाला है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, पेन और रजिस्टर लेके बैठ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। ओके, ऐसे ही एक कंप्लीट संपूर्ण सीटेट की मैंने वीडियो बनाई थी अभी लास्ट टाइम, सीटेट से कुछ दिन पहले, जिसमें से केवल एक वीडियो में से 70 नंबर फंसे हैं। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उनको पता है, और कमेंट करके उन्होंने बताया भी था फीडबैक, तो वो अगर देखना चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शुरुआत जो हम करेंगे सबसे पहले वो करेंगे अधिगम टॉपिक से। इसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स आपके कवर करने वाला हूँ जितने भी आपके आते हैं। अधिगम के सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक, पावलोव, प्याजे और जीन प्याजे, आपका वाइगोत्स्की, आपका आपका कोलबर्ग और आपका एल्बर्ट बंडूरा, जितने भी आपके सिद्धांत हैं और जो आपके अदर टॉपिक्स हैं, अनुवंशिकता, वातावरण और आपका सामाजिकरण, मतलब साइकोलॉजी के जितने आपके सारे टॉपिक्स हैं सब इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। इसलिए मैं स्पीडली चलूंगा थोड़ा सा, तो आपको भी स्पीडली ही चलना पड़ेगा, वरना वीडियो तो घंटों की हो जाएगी अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है, तो फास्टली कम ऑन, तैयार हो जाओ। सबसे पहला टॉपिक है आपका अधिगम का। तो अधिगम की परिभाषा और अधिगम का अर्थ को समझना अगर है आपको, तो देखो तीन चीजें याद रखनी है बस, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। अधिगम की जो परिभाषा होती है वो सीधी ये होती है कि मानव व्यवहार में या बालक के व्यवहार में अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम का दूसरा नाम क्या है? सीखना, यानी कि लर्निंग। तो यहाँ पे हमें जो चीज मेनली इसमें दिखाई देती है वो ये है। पहला पॉइंट, व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो अधिगम नहीं हुआ। अब जो भी परिवर्तन हो रहा है बच्चे के व्यवहार में, वही आपका मतलब परिवर्तन होना जरूरी है, तभी अधिगम हुआ। अब इसी में दूसरा तथ्य इंक्लूड होगा और वो ये होगा कि वो जो परिवर्तन होगा वो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होना चाहिए। कैसे, इसको समझते हैं। मतलब ये कि जब अभ्यास जो है ये दो ही तरीके से होता है। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं। जैसे कि आप बच्चे को ABCD सिखा रहे हैं तो क्या करेंगे आप, बार बार उसका अभ्यास करेंगे। जब बच्चा अभ्यास करता रहेगा तो धीरे धीरे वो उसको सीख जाएगा, अल्फाबेट्स को, अपना नाम लिखना सीख जाएगा धीरे धीरे अभ्यास करके। तो ये क्या है, ये जो वाला सीखना है ये अभ्यास के द्वारा है। अब अनुभव क्या है, अनुभूति और अनुभव एक ही चीज होता है जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। जब आप किसी भी एक घटना से प्रेरित होके, प्रभावित होके सीख लेते हैं, उसी को अनुभव कहते हैं। जैसे आप सड़क में चल के जा रहे हैं और कोई गड्ढा सामने आया, आप गड्ढे में गिर गए, तो आपको पता चल गया कि गड्ढे में गिर जाते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया और आपने इसको सीख लिया। अब आप जब दूसरी बार वहां से गुजरोगे तो आप उस गड्ढे में नहीं गिरोगे, आप उससे बच के निकलोगे। ये है आपका अनुभव या अनुभूति। जिस प्रकार से अगर गर्म चीज पे हमारा हाथ लग जाए तो हमारा हाथ, बालक का हाथ जलेगा और फौरन हटाएगा, उसके बाद सेकेंड टाइम वो उस चीज को छुएगा तक नहीं। ये एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक तो ये कि अभ्यास में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि उसी काम को बच्चा बार बार करेगा। एक्सपीरियंस में कोई परिवर्तन, पुनरावृत्ति नहीं होती, सिर्फ एक बार आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप हमेशा के लिए सीख जाते हैं। ठीक। तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो आपका स्थायी परिवर्तन होता है। भाई व्यवहार में परिवर्तन होगा, अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप होगा, लेकिन स्थायी होगा। अगर स्थायी नहीं है तो सीखना नहीं है। अब स्थायी और अस्थायी में फर्क कैसे पता चलेगा? फर्क ऐसे पता चलेगा कि जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो वो हमें दो कंडीशन में हमें याद रहती है। कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें अभी हमें दिखी और उसको हम 2-4 सेकंड के बाद, 1-2 मिनट के बाद भूल गए, वो होती है क्षणिक आपकी। और कुछ चीज ऐसी होती है जिसको हमने देखा, सीखा, उसको हम 1 दिन 2 दिन या 10 दिन या 2 महीना या 6 महीना उसको याद रख लेते हैं। बाद में भले ही हम भूल जाएं, विस्मृति तो मानव का एक बुद्धि का एक भाग है, तो विस्मृति भी होती ही है। अब इसमें क्या है, जैसे कि आपने कोई, मान लीजिए टाइपिंग करना आपने सीखा है, अब टाइपिंग करना तो बच्चे ने सीख लिया, लेकिन अगर वो उसको छोड़ दे तो वो 2 महीने 4 महीने के बाद उसको भूल जाएगा। लेकिन 2 महीने उसने याद रखी है ना उस चीज को, तो ये स्थायी है, 2 महीने के लिए चाहे लेकिन स्थायी है। अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा,
आपने जो है आप सड़क में जा रहे थे, वहां पे आपने किसी व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को आपको देखा, उससे बात भी की, लेकिन आगे दो कदम चल के आप भूल गए कि आपको याद ही नहीं है कि मैंने कभी किसी से बात भी की थी इस व्यक्ति से। ये क्या है, क्षणिक चीजें होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सिर्फ हैंड टू हैंड 2-4 सेकंड के लिए याद रहती हैं, फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो अगर ये वाली चीज है कि हम उसको भूल गए तो वो स्थायी नहीं हुआ, वो अधिगम नहीं हुआ। जब तक कोई भी परिवर्तन जो व्यवहार में हो रहा है वो लंबे समय के लिए स्थायी होगा तभी अधिगम हुआ। क्लियर है? अब अधिगम का मतलब आप अच्छी तरह से समझ चुके हो, और ये 3 पॉइंट से ही प्रश्न बनेगा हमेशा। जहां भी प्रश्न देखने को मिलेगा इन तीनों में से एक ना एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी, आपका समझो एक नंबर पक्का यहीं से है। अगला जो आपका है वो है सीखने के नियम, यानी कि अधिगम को ही सीखना बोल रहे हैं, तो सीखने के नियम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटी से एक प्रश्न आता है, हर एग्जाम में आता है। और ये सीखने के जो नियम दिए हैं वो दिए किसने हैं, तो थोंडाइक ने। ये भी प्रश्न बनता है किसने दिए थोंडाइक, जो सीखने के नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप चले जाते हैं पावलोव पे, आप चले जाते हैं स्किनर पे, भाई उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, नोट करो पॉइंट, उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, थोंडाइक ने नियम दिए हैं। सिद्धांत थोंडाइक ने भी दिया है अलग से, लेकिन नियम जो दिए हैं वो मेनली थोंडाइक के हैं, किसी और के नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीन नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ढंग से समझते हैं गहराई के साथ में, बिल्कुल माइंड यहां पर रखो एकदम अटेंशन के साथ में। तत्परता के नियम से मतलब क्या है, लो ऑफ रेडीनेस, यानी कि किसी भी चीज को या किसी भी काम को सीखने के लिए कितना तैयार हूं मैं। अब मैंने आपसे कहा कि जल्दी से यहाँ पे तैयार हो जाओ, पेन रजिस्टर लेके बैठ जाओ, इसका मतलब आप तत्पर हो गए, रेडी हो गए। तो आपके अंदर क्या है, तत्परता वाला गुण है, समझ रहे हो। अब अगर आप तत्परता के साथ में सीखोगे तो आप इस वीडियो को भी और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका तत्परता जिनके अंदर नहीं होगी, वो सीखने को लिए रेडी नहीं होंगे, बस ऐसे ही चला के बैठ गए टाइम पास के लिए, तो उन्हें ज्ञान अच्छे से नहीं मिल पाएगा। वीडियो भी सेम है, पढ़ाने वाला भी मैं ही हूं उनको भी, लेकिन कॉन्सेप्ट भी सेम है, फिर भी उनके सीखने में परिवर्तन आ जाएगा क्योंकि उनके अंदर रेडीनेस की कमी हो गई थी। तो इसलिए रेडीनेस पूरी रखो। देखो इसको समझते हैं, इसके अंदर उसने तीन बातें कही थी किसने, थोंडाइक ने। क्या कहा था, पहली बात उसने कही कि अगर व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार है और उसको वो काम करने ना दिया जाए तो उसके अंदर खीज उत्पन्न होती है, गुस्सा आता है ना हमें अंदर से कि हमें ये काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। दूसरी कंडीशन, जब व्यक्ति उस काम को करने के लिए तैयार ना हो और फिर भी उससे करवाया जा रहा हो तब भी खीज होगी कि मैं तो तैयार नहीं हूं, उससे जबरदस्ती क्यों करा रहे हैं किसी भी काम को, पढ़ने के लिए मन तो कर नहीं रहा फिर भी स्कूल भेज रहे, उसमें खीज होगी। लेकिन अगर व्यक्ति तैयार भी है किसी काम को करने के लिए और उसे वो काम करने दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर खुशी होगी, संतुष्टि होगी हमारे अंदर से। तो ये तीन चीजें हैं। अब ये तीन चीजें तो उसने दे दी, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जब आप बच्चे को कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लो कि बच्चा उस काम को सीखने के लिए रेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो रेडी करो उसको, बिना रेडीनेस के मत पढ़ाओ, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम बर्बाद है आपका भी और बच्चे का भी, ये है उसका उद्देश्य। तो ये मेनली हमें उद्देश्य और उसकी गहराइयों को समझना होता है तभी हम उस चीज को समझ पाते हैं। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका उद्देश्य यही था उनका कि हमें टीचर को हमेशा क्या करना है, बच्चे की तत्परता को जान लेना है, और अगर तत्पर नहीं है तो इंटरेस्टिंग बनाओ पार्ट को, कुछ एक्टिविटीज करो, बच्चों को खेल विधि में लगाओ, कुछ ना कुछ करो और तत्पर करो उसको, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी काम को बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया है उसके बीच में एक बाउंडिंग बन जाती है, समझ रहे हो उस चीज को। तो इसमें क्या है, हमारी जो प्रतिक्रिया है और जो हमारा जो उद्दीपक है उन दोनों के बीच में साहचर्य होगा और वो चीजें हम जल्दी सीख लेंगे और उसको फिर हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इन्होंने कहा कि जब अभ्यास आप किसी भी चीज का करते रहते हैं, जैसे बोला इन्होंने बोला था एक लाइन, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास जो है वो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। तो अगर आप किसी भी चीज का अभ्यास करते रहेंगे तो बाउंडिंग बनी रहेगी और उसको आप लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर आप उसका अभ्यास करना छोड़ देंगे तो वो विस्मृति आपकी शुरू हो जाएगी, आप उसको भूल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें बच्चों को जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका रिविजन हमें बच्चों को कराते रहना चाहिए। जैसे आज हमने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाया, 2 दिन के बाद उससे फिर पूछो कि वो चीज उसको याद है या नहीं है, फिर 1 हफ्ते के बाद पूछो, फिर उसके बाद में 1 महीने के बाद पूछो, ये उनका उद्देश्य था। अगला जो नियम है वो क्या है, अगला नियम है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि किसी काम का बच्चे पे कितना असर पड़ रहा है ये डिपेंड करेगा कि उसकी लर्निंग कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए यहाँ पे क्या कहने का मतलब है इनका कि बच्चे ने मान लीजिए आपने बच्चे को एक चीज याद करने के लिए दी कि वो दो का पहाड़ा सुनाओ। दो का पहाड़ा बच्चे ने याद किया पूरा, ठीक है। आपने उसे क्या किया, आपने उसे एक टॉफी दी या आपने उसे शाबाशी दी कि बहुत बढ़िया शाबाश बेटा तुमने ये याद कर लिया। इसमें क्या है, इसमें उसको उसका जो प्रभाव पड़ा है वो पॉजिटिव पड़ा है, यानी कि उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब क्या होगा, बच्चा तीन का पढ़ा बहुत जल्दी सीखेगा फास्टली। लेकिन अगर इसमें आपने उसको कोई पुनर्वरण नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया और उसे कोई लेना देना नहीं, शाबाशी नहीं दी, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो है उस पे बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बच्चा अगली चीज सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेगा। ये है इसका मतलब। अब इन्होंने इसमें दो भाग बताए, एक तो ये कि अगर हम पुरस्कार देते हैं किसी भी बच्चे को कोई अच्छा काम करने पे तो उसकी लर्निंग बढ़ती है, और अगर हम उसको दंड देते हैं किसी भी काम को करने पर तो उसकी लर्निंग घटती है, यानी कि वो उस काम को दोबारा करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर उन्होंने इसके बाद 1930 में, 1930 में जो है इन्होंने एक संशोधन किया इसी नियम में, और फिर उन्होंने बताया कि जब हम किसी बच्चे को अच्छा काम करने पे या सकारात्मक काम करने पे पुनर्बल देते हैं तो उसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा और उसकी सीखने की गति तीव्र हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी भी बच्चे को दंड देते हैं किसी काम पे, गलत काम को करने पर, तो ये जरूरी नहीं कि उसकी दर घट जाए, और ये पॉजिटिवली हम देख भी सकते, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा चोरी करना सीख गया है, अगर वो चोरी करना सीख गया है तो आप उसे कितना भी दंड दे लो उसकी आदत नहीं जाएगी, वो उस काम को करेगा। तो इसलिए ये नियम आपका आधा ही अधूरा रह गया उनका सत्य, इस संशोधन के बाद 1930 के। क्लियर है, आई थिंक लोज आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि जिन लोगों ने अभी तक यूपीटेट के नोट्स नहीं लिए तो वो जल्दी से जल्दी नोट्स ले लो फटाफट से। अब एक क्वेश्चन आपका आ रहा था नोट्स को लेके कि सर टाइम कम बचा है तो क्या नोट्स बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे, तो मुझे ये बताओ कोई दूसरा रास्ता है आपके पास जो बेनिफिशियल हो? नहीं है ना, बेनिफिशियल होंगे। अगर आपके पास 3 दिन भी बच रहे हैं ना यूपीटेट से, 3 दिन पहले भी अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको पता चल गया तो नोट्स ले लेना, क्योंकि 3 दिन में आप उनको कम से कम एक बार पलट के पेज पढ़ लोगे, और जब आप उनको एक बार पढ़ लोगे तो वो चीजें आपके माइंड में चली जाती हैं, और फिर आपको जो है वो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हो तो आपको वो चीज याद आ जाती है और आप सही ऑप्शन चुन लेते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और मैं आपको बता दूं ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको सोचो मत कि लूं या ना लूं, नोट्स आप ले लेने चाहिए। जब आप कोचिंग सेंटर वगैरह में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पे आपको कहते हैं कि ये नोट्स लो, ये बुक्स लो, तो आप करते हैं ना, वहां पे इतनी फीस भी जमा करते हो। यहाँ पे मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो आपको ये काम करना चाहिए, नोट्स लो और पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट आएगा और वो नोट्स आपके आगे भी काम आएंगे, फायदेमंद रहेंगे। अब आपको नोट्स के लिए करना क्या होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 8532855503, उस पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी किस तरह से नोट्स मिलेंगे, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, वो सब चीजें आपको वहीं पर बता दी जाएंगी। और आपको सीटेट 2020 की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं तो उसके नोट्स भी लो और अभी से तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। तो आगे है आपका शिक्षण वक्र और सीखने का पठार। तो इससे काफी ज्यादा आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो बनता है आपका सीखने के पठार से। तो आज तक अगर समझ नहीं आया ना तो आज समझ आ जाएगा, इसको ढंग से देख लो, ठीक है। देखो शिक्षण वक्र में क्या होता है, इसमें 4 प्रकार के वक्र जो है दिए गए हैं सीखने को लेके, मतलब सीखना जो है 4 प्रकार से होता है और उसमें शिक्षण वक्र के हिसाब से उसको समझाया है। कैसे, पहला है आपका जिसको बोलते हैं हम समान निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जब बच्चा किसी भी काम को करने का, मतलब किसी भी चीज को सीखने का प्रयास कर रहा है तो जो प्रयास कर रहे जाते हैं तो प्रयास करने की आवृत्ति और सीखने की आवृत्ति, या हम कहेंगे दर या गति कह लो, प्रयास करने की गति और सीखने की गति बराबर होती है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल सीधी रेखा में जो है आपका चलता है वक्र जो चलता है, जैसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, तो ये आपके प्रयास हैं और ये ऊपर को जो जा रहे हैं ये आपके सीखने का है। तो जितने वक्र जो आपके 1 2 3 4 5 जितने आप प्रयास कर रहे हैं, सीखना भी सीखने की गति भी उतनी ही तेजी से आपकी चल रही है, दोनों बराबर हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, धनात्मक निष्पादन का वक्र, यानी कि धनात्मक मतलब बढ़ रहा है, तो आपके प्रयास तो उतने ही चल रहे हैं लेकिन आपकी लर्निंग बढ़ती जा रही है। इसमें क्या है, इसमें बच्चे का जो है इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, बच्चे में रुचि ज्यादा है और बच्चा ज्यादा सीख रहा है, तो इसका जो वक्र बनेगा वो इस प्रकार से बनता है। देखो यहाँ पे जो है शुरू में जो है सीखने की गति कम है लेकिन बाद में धीरे धीरे गति जो है सीखने की वो बढ़ती चली जा रही है, तो ये है आपका धनात्मक।
तीसरा क्या है ऋणात्मक। इसमें क्या होता है ऋणात्मक में, इसमें शुरू में तो गति तेज होती है लेकिन धीरे धीरे घटती चली जाती है जो सीखने की गति होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब बच्चे के सामने कोई भी पाठ जो है वो कठिन है या बच्चे ने उस पाठ का कुछ भाग सीख लिया है। मान लीजिए कोई पाठ बच्चे को आप सिखा रहे हो और उसने उसका एक उसका मतलब एक परिपक्वता पे बच्चा पहुंच गया कि उसने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और फिर भी आप उसको वो पढ़ाए जा रहे हैं, वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको पहले से आ चुका है, तो उसमें उसके जो सीखने की गति है वो कम होती चली जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या होता है, शुरू में तेज रहेगा और बाद में कम होता चला जाएगा। अब जो फोर है आपका एस आकार ये वक्र, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें गति आपकी घटती बढ़ती रहती है। इसमें कैसे होता है, शुरू में जैसे मान लीजिए कोई कठिन पाठ आपने जो है दे दिया, ये भी कह सकते हैं कि इस एक में ही जो चौथा वाला है इसमें ये आपका दूसरा भी और तीसरा भी और चौथा भी पहला भी, ये तीनों के तीनों सम्मिलित हैं इसी एक में। कैसे देख लेते हैं, शुरू में क्या होगा, शुरू में जो है गति धीरे धीरे चलेगी समान रूप से। जब बच्चे को कोई भी पार्ट नया दोगे तो उसमें क्या होगा, नए पार्ट में बच्चा कठिन रहेगा तो वो धीरे धीरे सीखेगा, तो शुरू में कम रहेगी, फिर उसके बाद जब बच्चे को उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा, उसकी गति तीव्र हो जाएगी। जब बच्चे की गति तीव्र हो जाएगी तो उसके बाद में जब बच्चा उस पार्ट को समझ जाएगा और फिर भी आप उसको पढ़ाते रहेंगे तो फिर क्या होगा, गति कम होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये एस आकार आपका बन जाता है। अब ये तो आपको समझ आ गया, अब जो ये है सीखने का पठार, ये कहाँ पे आता है इसको समझते हैं। देखो इसमें इन्होंने चार चरण दिए हैं सीखने के, सीखने की गति के कह सकते हैं। तो जो प्रारंभिक स्फुरण इसमें इन्होंने दिया है, स्फुरण या त्वरण समझ लो, मतलब सीखने की गति में कितना बढ़ोतरी हो रही है, तो गति के बढ़ने की दर को ही त्वरण कहता है। तो प्रारंभिक त्वरण में क्या होता है, सीखने की गति बहुत ज्यादा तेज होती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चे को कोई भी नए पाठ देते हैं तो उसमें रुचि बढ़ी रहेगी और एकदम से बच्चा उसको सीखने की कोशिश करता है, तो उसमें एकदम जैसे हम भी कोई नया टॉपिक या फ्रेश होकर पढ़ना बैठते हैं शुरू शुरू में, तो हमारे भी क्या है इंटरेस्ट बढ़ा रहता है और हम जल्दी जल्दी सीखते हैं। दूसरे में क्या है, मध्य स्फुरण इसको हम कहते हैं, इसमें गति थोड़ी सी कम हो जाती है और इसमें जैसे बच्चा कुछ सीखने लगता है, मतलब उस पार्ट को समझने लगता है, तो फिर उसका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होगा। तीसरे नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं हम पठार। क्या पठार, ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चे की प्रयास और मतलब बच्चे की जो गति है सीखने की वो समान रूप से चलती रहती है, ना तो घटती है ना बढ़ती है, एक समान जो है चलती रहती है, ये एक पोजीशन आती है बीच में, तो यहाँ पे इसको ही हम पठार कहते हैं। और जो चौथा चरण है यहाँ पे अंतिम स्फुरण, इस पे गति फिर से बहुत तेज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई पार्ट खत्म होने वाला हो तो उसमें क्या होता है, हमें भी लगता है कि ये काम देखो अब निपट जाएगा, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं तो लास्ट में क्या होता है, हम अपनी गति को बढ़ा देते हैं, आप जल्दी से निपटाओ इस काम को खत्म करो, तो ये होता है अंतिम। तो पठार में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यहाँ पे समझ जाना आप कि यहाँ पे जो है सीखने की गति समान रूप से चलती रहती है, ना तो घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और सिद्धांत करते हैं आपके। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सीखने के सिद्धांतों की, तो सिद्धांतों को समझते हैं और शॉर्टकट में समझेंगे, हमें बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ उस हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से हमारा एग्जाम आएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, मेन है उसके उद्देश्य के आधार को, उसके उद्देश्य को समझना कि उसने सिद्धांत में उद्देश्य दिया क्या है, क्यों उसने सिद्धांत दिया। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहला आपका है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अन्य नाम भी इसके कुछ हैं, वो इसलिए है बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि एग्जाम में वो आपको अगर नाम बदल के दे देता है तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सिद्धांत है कौन सा। तो इसी सिद्धांत को, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, और उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत के नाम आपको समझ आ चुके हैं, अब इसका मतलब समझते हैं। इसने इसमें थॉर्नडाइक ने क्या कहा, थॉर्नडाइक ने ये कहा कि जो हमारा सीखना होता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जीव जंतु हो, प्राणी कहा है इन्होंने, मनुष्य भी पशु भी सबको सम्मिलित कर दिया और कहा कि जो सीखना होता है वो प्रयत्न एवं भूल की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कई बार प्रयास करते हैं उस काम को करने का। मान लीजिए एक बच्चा है और वो बोतल का ढक्कन खोलना सीख रहा है, तो वो कोशिश करता रहेगा, कभी इधर को घुमाएगा कभी इधर को घुमाएगा, कभी मुंह में लेके उसको खोलने की कोशिश करेगा, कभी पैरों में दबा के कोशिश करेगा, कभी दूसरा चीज उठा के उस पर मार की कोशिश करेगा। क्या समझ रहे हो, उस चीज से बच्चा प्रयास कर रहा है बार बार, लेकिन क्या होता है, अचानक से एक तरफ उसके सही साइड की तरफ उससे घूम जाता है ढक्कन और खुल जाता है। जब सेकंड टाइम आएगा तो वो हो सकता है उसको दूसरी बार में भी याद ना रहे,
दूसरी बात में भी वो कभी इधर को घुमाएगा कभी इधर को, लेकिन क्या होगा जो उसने बाकी के जो इधर उधर वाले काम किए थे कि इधर फोड़ रहा था इधर पैरों में दबा के, वो नहीं करेगा। अब क्या करेगा, वो सिर्फ उसको घुमाने की कोशिश करेगा कि ये घुमा के खुला था, या तो वो राइट में घुमाएगा या लेफ्ट में घुमाएगा। सिर्फ दो प्रयास रह गए, अगर वो सही दिशा में घुमा देता है तो ढक्कन फिर से खुल जाएगा। तीसरी बार में क्या होगा, अब उसे समझ आ चुका है कि ढक्कन जो है इसी साइड को खुलेगा, तो वो फिर उसी साइड में घुमा के और उसको खोल देगा। क्लियर हो रहा है कुछ चीजें? तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जब कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी काम को सीखने के लिए प्रयास करता रहता है तो वो कई प्रतिक्रिया करता है, कई प्रतिक्रियाएं करता है, और उन्हीं प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया ऐसी होती है जो सही होती है, और वो उसी प्रतिक्रिया को चुन लेता है, और उसी प्रतिक्रिया को क्या होता है सीख लेता है, और उसका अधिगम हो जाता है। अब इन्होंने प्रयोग किया गया था तो वो तो आप सबको पता है क्या गया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। एक बिल्ली भूखी थी, उसको पिंजरे के अंदर बंद किया जिसमें एक दरवाजा था और वो सिपकनी से खुलता था, यानी कि जो कुंडी होती है उससे खुलता था। बाहर उन्होंने क्या किया, एक प्लेट में उसका खाना रख दिया, तो बिल्ली भूखी थी, अब वो उसको बाहर देखा उसे खाना, तो वो बाहर आना चाह रही थी, तो वो बाहर आने के लिए करती है पिंजरे में इधर उधर फड़फड़ाती है, कभी इधर पंजा मारा कभी उधर मारा कभी उधर मारा, और इधर उधर करने के बाद क्या होता है, अचानक से उसका पंजा जो है वो सिटकनी पे लग जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है वो खाना खा लेती है, तो उसमें क्या है उसको पुनर्बलन जो है उसका मतलब उसका उद्देश्य जो पूरा था वो उसका उद्देश्य उसको मिल गया, जो चीज उसे चाहिए थी खाना। फिर क्या किया उन्हें, फिर उन्होंने अगली बार उसको बंद किया, तो इस बार क्या किया, इस बार उसने कम हाथ पैर घुमाए इधर उधर और उसका दरवाजा जल्दी खुल गया। तीसरी बार में क्या हुआ, उसने समझ गई वो बिल्ली, और बार बार जब प्रयास होते रहे उसके साथ, तो अंत में क्या किया उसको बिल्ली को बंद करते ही उसने सबसे पहले दरवाजा खोला और खाना खा लिया, इसका मतलब वो उसको सीख गई। तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्राणी चाहे वो मनुष्य हो या चाहे वो पशु हो, वो प्रयास और त्रुटि के द्वारा ही सीखता है। समझ रहे हो? तो ये काम आप जो है मतलब कहने का ये है कि इसका शैक्षणिक उद्देश्य ये है कि बच्चों को गलतियां करने दो, बच्चों को प्रयास करने दो। अगर बच्चे को हम कोई काम दे रहे हैं तो उसको काम दिया है आपने और वो गलती कर रहा है, उसको बार बार जो है कोई अक्षर गलत बनाया जा रहा है, तो उसको करने दो क्योंकि वो धीरे धीरे सीख जाएगा। इनके कहने का मतलब ये था। तो ये सिद्धांत हो चुका है आपका कंप्लीट। दूसरा है, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताया करो यार कैसी लग रही है वीडियो। मतलब मैं इतनी कोशिश करता हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। जब आप लोग कमेंट करते हो ना अच्छे अच्छे तो मजा आता है, मतलब मुझे पढ़ने में ऐसा लगता है यार मेरी मेहनत सफल हो रही है और आप लोग मेरे काम से खुश हो। तो कमेंट करके बता दिया करो यार, थोड़ा फीडबैक मिलना चाहिए। चलिए, तो अगला जो है वो है आपका पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। अब इसके भी कुछ अलग नाम है जो कि आपके पूछे जाते हैं कई बार। अन्य नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, प्रतिक्रिया प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, टाइप एस सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। क्लियर? नाम आपको समझ गया, आप स्टोरी पाते हैं इसकी स्टोरी क्या है। इन्होंने कहा कि जो सीखना है वो अनुबंधन पे आधारित है। अनुबंधन का मतलब क्या है, संबंध होना दो चीजों के बीच में। संबंध किस चीज में होगा, संबंध होगा उद्दीपक में और अनुक्रिया में, इसलिए इन्होंने नाम में दिया हुआ है अनुबंधन प्रक्रिया और उद्दीपन अनुक्रिया। मतलब जो कहने का मतलब ये है, देखो अब यहाँ पे स्टोरी बताते हैं कि जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वो जो हमारा उद्दीपक है जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, और दूसरा वो जो हमारी प्रतिक्रिया है। अब उन दोनों के बीच में जब साहचर्य उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अनुबंधन स्थापित हो जाता है, तो हमारा सीखना हो जाता है, लर्निंग। अब इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। इन्होंने क्या किया कि एक भूखे कुत्ते को अपना एक कमरे एक पिंजड़े के अंदर बंद किया और फिर उसके सामने क्या किया, वो खाना लेके आए, तो उसने खाने को देख के क्या किया, खाना देखा जैसे उसने, तो उसके मुंह में लार आने लगी। तो ये क्या था, ये आपका जो है स्वाभाविक प्रक्रिया थी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यहाँ पे वर्डिंग को समझना, स्वाभाविक का मतलब होता है जो काम अपने आप से हो जाए, तो भाई लार आना स्वाभाविक ही होता है, हमारी भी आ जाएगी, अगर हमारे सामने हमारे मनपसंद खाना आता है तो हमारी लार भी आ जाएगी। तो उसमें उन्होंने फिर क्या किया अगली कंडीशन में, कि खाना लाने से कुछ सेकंड पहले एक घंटी बजाई और फिर उसके बाद में खाना लाए, तो फिर से कुत्ते के मुंह में लार आए। जब वो इस प्रक्रिया को दोहराते रहे तो क्या हुआ कि घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। और क्यों आई, क्योंकि उसे पता था कि अब घंटी बजी है और अब मेरे सामने खाना आएगा, तो उसके मुंह में लार आ गई। तो इसमें मतलब ये हुआ कि जब हम बार बार प्रयास करते रहते हैं तो तटस्थ उद्दीपक के द्वारा भी, यानी कि जो हम अलग से कंडीशन हमने बनाई है घंटी वाली जो है वो तटस्थ है, यानी कि बनाई हुई हमारी,
तो जो तटस्थ उद्दीपक होता है उसके द्वारा भी वही प्रतिक्रिया जारी होगी जो स्वाभाविक रूप से हो रही थी। तो यहाँ पे उनका उद्देश्य कहने का मतलब ये था कि हम इसके द्वारा किसी भी बच्चे के अंदर बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं, अच्छे व्यवहारों को सिखा सकते हैं पुनर्वलन के द्वारा। तो यहाँ पे इन्होंने पुनर्वलन को प्राथमिकता दी। ठीक है, अब आते हैं अगले सिद्धांत पे। अगला जो सिद्धांत है वो आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसके अंदर उन्होंने क्या दिया था, इन्होंने किया था किस पे, कबूतर पे किया था और एक किया था चूहे पे जो प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इन दोनों में फर्क भी है, मतलब एक दूसरे से संबंधित भी है और फर्क भी है। मेन डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। तो इन्होंने क्या किया, चूहे को एक पिंजरे के अंदर बंद, पिंजरा नहीं कमरा कहेंगे हम या बॉक्स कह लो छोटा, तो बॉक्स के अंदर एक बंद किया जो कि साउंड प्रूफ बॉक्स था और उसके अंदर जो है एक हैंडल लगा था, यह हम गेयर भी नाम दे सकते हैं, उसमें बुक में अलग अलग आता है, सिटकनी कह दो गेयर कह दो या जो भी उसको कहना चाहो, तो वो लगा हुआ था और अगर उस पर जो है अब उसका पंजा लग जाए या कोई भी उसको दबाए तो एक गोली बाहर निकल के आती थी दीवार में से जो खाने का जो चूहे के खाना था एक प्रकार से। तो उन्होंने उसको बंद किया अंदर, तो चूहे ने क्या किया, शुरू के प्रयासों में इधर उधर घूमता रहा, दीवारों को कुतरता रहा दांतों से और उसके अचानक क्या हुआ, उस हैंडल पे उसका पंजा लग जाता है और गोली बाहर निकल कर आती है, वो उसको खा लेता है। तो जब ये प्रयास बार बार दोहराए गए तो उसमें क्या हुआ, बार बार दोहराने की वजह से जो चूहा था उसको उसके अंदर बंद करते ही उसने सबसे पहले उस हैंडल को दबाया और खाना खा लिया, मतलब गोली निकल गया खाना खा लिया, तो उसने इस व्यवहार को सीख लिया। अब यहाँ पे एक अंतर ये रहा कि यहाँ पे जो आपका प्रायोज्य था या आपका जो ऑब्जेक्ट था या सब्जेक्ट था वो निष्क्रिय था, किसमें, पावलोव के सिद्धांत में, क्योंकि कुत्ता एक्टिव नहीं था आपका, कुत्ता अपनी जगह खड़ा था, सिर्फ उसकी लार टपक रही थी, वो स्वाभाविक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूहा आपका एक्टिव था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चूहा एक्टिव था, उसने जो है काम किया है कुछ ना कुछ, जब जाके उसको जो है वो गोली मिली है। तो इसमें क्या है, पुनर्बलन दोनों में है लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। तो इसमें इन्होंने दो चीजें बताई थी, एक तो बताई थी यहाँ पे क्या है, ये है आपका आई थिंक क्या प्रतिवादी, हाँ ये था प्रतिवादी सीखना, ये था प्रतिवादी सीखना और ये था क्रिया प्रसूत सीखना जिसमें प्रायोज्य एक्टिव रहता है आपका। ठीक है, आगे लास्ट में क्या है, कोहलर का सोच का सिद्धांत है, सोझी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसमें क्या था, इसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसने जो प्रयोग किया था वो किया था सुल्तान नाम के वन मानुष पे। तो उसने क्या किया, इसमें दो प्रयोग किए, एक था छड़ी वाला सिद्धांत और एक था आपका दूसरा कमरे वाला बॉक्स वाला प्रयोग। तो जो छड़ी वाला प्रयोग था उसमें क्या किया, इन्होंने एक जो वो बंदर था या वन मानुष था उसको एक पिंजरे के अंदर बंद किया और पिंजरे के बाहर एक टेबल पे केला रख दिया और पिंजरे के अंदर दो स्टिक रखी, दो छड़ी जो कि ऐसी थी कि वो आपस में एक दूसरे से फिट हो सकती है, जैसे मैं ये मान लू अगर तो ये वाले जो है ये कैप इस पे फिट हो सकता है इस तरह से। ठीक है, तो वो दो छड़ी इसी प्रकार से थी कि वो एक दूसरे में जुड़ सकती थी। तो जब वो बंदर जो है वो भूखा था तो उसने उस केले को खाने की कोशिश की, तो उसने उस छड़ी को उठाया और उससे उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन छड़ी छोटी थी तो वो प्रयास करे उसने लेकिन वो आया नहीं उसके पास तक, तो वो निराश होकर कुछ मतलब कुछ प्रयास करने के बाद निराश हुआ और बैठ गया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने वो छड़ियों से खेलने लगा और वो अचानक से उसकी छड़ी जो है जुड़ जाती है, और जब छड़ी जुड़ती है तो उसके अंदर एक खुशी आती है जिसको उन्होंने कहा आहा अनुभव, इस नाम से उन्होंने पुकारा है इस फीलिंग को। तो उसने फिर छड़ी जुड़ गई और अचानक से उसने वो फिर जो है जब छड़ी जुड़ गई तो उसने केले को अपनी तरफ किया और उसको खा लिया। तो उसमें क्या था, ये जो छड़ी जुड़ने के बाद जो उसके अंदर दिमाग एकदम से आइडिया आया था इसी को उन्होंने क्या कहा, ये सूझ है। दूसरा प्रयोग किया था उन्होंने कौन सा, जो कमरे वाला बॉक्स के अंदर, तो उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद किया उसको और उसके छत से जो है उन्होंने एक केला लटका दिया जो कि ऊंचाई पे था और उस कमरे के अंदर उन्होंने तीन बॉक्स रख दिए। तो बंदर भूखा था तो उसने कोशिश की उस छलांग लगा के उस केले को तोड़ने की खाने की लेकिन वो नहीं कर पाया। फिर उसके बाद जब वो कर नहीं पाया तो उसके दिमाग वो कोशिश करता रहा, इधर उधर भटकता रहा कमरे में, तो उसका अचानक से उसका जो है ध्यान जाता है बॉक्स के ऊपर और उसके दिमाग में फौरन जो है आइडिया आता है यानी कि सूझ आती है। तो वो बॉक्स को उठा के लाता है और उस केले के नीचे रखता है उसके चढ़ के और तब उसको तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी असफल रहा, फिर भी ऊंचा था। फिर उसने दूसरा बॉक्स उठाया और उसके ऊपर रखा, फिर कोशिश की, फिर असफल रहा। फिर उसने तीसरा बॉक्स उठाया और उसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर चढ़ा और उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो उसने जो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा कि जो लर्निंग है वो सूझ के द्वारा होती है, यानी कि अगर व्यक्ति के अंदर सूझ उत्पन्न नहीं हो सकती तो वो किसी भी काम को नहीं कर सकता।
लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट यही था कि इन्होंने कहीं भी ना तो अभ्यास को जो है प्राथमिकता दी है, ना ही किसी और चीज को प्राथमिकता दी। डायरेक्टली बोल रहे हैं कि सूझ के द्वारा जो है सीखना होता है। ठीक है, तो आई थिंक इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत चीजें इसके बारे में हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम एल्बर्ट बैंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसका क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल सा है। मतलब इसका जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड है और उसका नाम है अनुकरण। किस पे? अनुकरण पे। अब सिद्धांत को समझते हैं पहले, सिद्धांत क्या है। देखो यहाँ पे सिद्धांत क्या है, एल्बर्ट बैंडुरा ने एक प्रैक्टिकल किया था, यानी कि एक प्रयोग किया था, और वो प्रयोग ये किया था कि उन्होंने जो है बच्चों का एक ग्रुप इकट्ठा किया, यानी कि कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको फिल्में दिखाई तीन प्रकार की। पहला क्या है, पहला जो है उन्होंने उस फिल्म के जो जो पहली फिल्म थी, या तो हम ये कहेंगे कि फिल्म के तीन पार्ट थे, या यूं कह लो कि वो फिल्म जो थी वो तीन फिल्में थी अलग अलग। कुछ बुक में तीन फिल्में बताते हैं, कुछ में पार्ट बताते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। पहली फिल्म में क्या होता है, पहली फिल्म में एक बच्चा, एक जो उसका नायक था, जो उसका हीरो था, वो गलत काम करता है, यानी कि जो सामाजिक रूप से गलत हो, चाहे चोरी करना मान लो, तो वो गलत काम करता है और उसको जो है पुलिस दंड देती है। ठीक है, तो दूसरे और फिर दूसरे पार्ट में क्या होता है, उसको उस काम को करने पर उसको पुरस्कार दिया जाता है। तीसरे पार्ट में क्या होता है, उसको उसी काम करने पर ना तो दंड दिया जाता है और ना ही उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जब उन्होंने उस फिल्म में दिखाए बच्चों को और ऑब्जर्वेशन किया और बच्चों से सवाल जवाब किए, तो उन्होंने ये पाया कि जो जब उस हीरो ने, उस नायक ने जो काम किया था और उसको दंड दिया गया था, तो उसका प्रभाव बच्चों पर कोई ज्यादा नहीं पड़ा। मतलब पड़ा है लेकिन कम पड़ा है। फिर दूसरे काम, दूसरी चीज जगह पे जो दूसरा पार्ट था जिसमें उसको इनाम दिया गया, पुरस्कार दिया गया, वो जो है उस पार्ट का प्रभाव बच्चे पर ज्यादा पड़ा, यानी कि बच्चों ने उस काम को करना ज्यादा पसंद किया, उस काम को ज्यादा सीखा और अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। तीसरा जो पार्ट था जिसमें ना तो उसको दंड दिया गया और ना ही उसको पुरस्कार दिया गया, उसमें बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ा, वो निष्क्रिय चला गया। तो यहां से उन्होंने एक उद्देश्य निकाला और यहाँ पे जो उन्होंने रिजल्ट उसका निकाला, निष्कर्ष, तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों पर सकारात्मक पुनर्बनन का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अगर आप बच्चों से, बच्चे कोई भी काम करते हैं और उसका आप बच्चों को जो है पुनर्बनन सकारात्मक देते हैं, तो बच्चे उस काम को दोबारा करने की कोशिश करेंगे। या हम ये कहें कि बच्चों के सामने अगर आप अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे सामाजिक व्यवहार बच्चे के सामने कर रहे हैं, तो बच्चा उनको जल्दी सीख लेगा। तो यही मतलब था उनका सीधा कहने का, कि जो सामाजिक अधिगम है हमारा वो अनुकरण के द्वारा होता है, यानी कि बड़े जो उसके टीचर्स हैं, जो उसके माता पिता हैं, जो उसके बड़े भाई बहन हैं, जो समाज के लोग हैं, अगर वो अच्छे काम उनके सामने करेंगे और अच्छे सामाजिक और नैतिक काम, तो बच्चे उनसे उन सब कामों को सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास अगर बच्चे का अच्छा करना है तो उनके सामने बड़ों को जो है अच्छे काम करने चाहिए। यही इसका उद्देश्य था और मेन काम है इसका अनुकरण, क्योंकि व्यवहार का नकल करना अनुकरण कहलाता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यही था इसका सिद्धांत, इसलिए उद्देश्य नहीं था। अब बात करते हैं शिक्षण के नियम की। तो शिक्षण के नियम हैं चार पांच, चार है मेनली, तो बाकी इन्हीं के पार्ट जो बनाए हुए हैं, तो ये आपके जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था यूपीटेट 2018 में। पहला नियम है आपका सरल से जटिल की ओर, यानी कि जब हम बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं तो सबसे पहले सरल चीजें सिखाएंगे, उसके बाद उसको जटिलता की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमें जो है बच्चों को जोड़ के सवाल सिखाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक अंक वाली चीजों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि दो और एक कितना हुआ, तीन हुआ। फिर उसके बाद हम बढ़ाते हैं कि पांच और सात कितना होगा, अब यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ गए हम, पांच और सात 12 होगा। फिर उसके बाद में हम डबल डिजिट पे आ जाते हैं, जैसे कि 12 और 24 कितना होगा, तो डबल डिजिट पे आ गए। तो ये कहने का मतलब ये है कि शुरू में अगर आप सरल लेके चलोगे, फिर जटिल तो बच्चा इंटरेस्ट बच्चे का बना रहेगा, अगर आप शुरू में ही कठिन बच्चे के सामने ला दोगे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा और उसको चीजों को नहीं सीखेगा। आप खुद भी अपने बारे में सोच सकते हैं, जब हम कोई सवाल करने बैठते हैं गणित के, तो अगर शुरू में ही कठिन सवाल आ जाए तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, हम बुक बंद करके सो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे सवाल सही होते रहते हैं तो हम आगे कठिन सवालों को भी करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये है नियम। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि पहले बच्चों को वो काम कराया जाए जो बच्चे जानते हैं। जैसे जैसे आपको जो है मान लीजिए समुद्र के बारे में बताना है कि सागर में क्या क्या चीजें होती है, तो पहले उन्हें अपने गाँव के तालाब के बारे में बताओ ना, जो बच्चे जानते हैं।
भाई बच्चों को, बच्चों ने गांव का तालाब देखा है तो आप बच्चों को बताएंगे कि आपका तालाब है ना, उसमें मछलियां रहती हैं, उसमें मेंढक भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, और उसमें पानी इस तरह प्रकार से आता है, अलग अलग गांव की जितनी भी नालियां हैं, जितने जो नहरें हैं वो आके तालाब में मिल जाती है। जब आप उन्हें छोटे कॉन्सेप्ट समझाओगे, फिर उसके बाद में बड़ा समझाओ, महासागर में नदियां मिलती हैं, महासागरों में तो व्हेल मछली होती है, इतनी खतरनाक खतरनाक, तो वो सब उसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये होता है कि पहले ज्ञात, उसके बाद अज्ञात, ठीक है, उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि ये मूर्त होता है कंक्रीट, जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, जो सामने प्रस्तुत हो। अमूर्त होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव या सोच सकते हैं। तो ये पहले बच्चों को मूर्त चीजें सिखाओ, उसके बाद में अमूर्त पर लेके जाओ, ठीक है। संपूर्ण से अंश की ओर, जब आप किसी भी चीज को सिखा रहे हो तो बच्चे के सामने पहले पूरी चीज प्रदर्शित करो, उसके बाद में उसके अंशों पर यानी कि उसके टुकड़ों पर जाओ। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, हम एक पेड़ के बारे में अगर हमें बताना है तो पहले हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये पेड़ है, उसके बाद में हम बताते हैं कि इसे टहनी कहते हैं, इसे शाखा कहते हैं, इन्हें पत्ते कहते हैं, इसे तना कहते हैं, इसे जड़ कहते हैं। अगर पहले ही आप बताओगे कि बताओ बच्चों पेड़ की जड़ देखी है, बच्चों को यही नहीं पता पेड़ क्या चीज है, तुम जड़ पे पहुंच गए। तो समझ लो ना, पहले बड़ा कॉन्सेप्ट, उसके बाद में उसके विशेष अंगों पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण। टॉपिक टॉपिक लेके चलते हैं, मेन मेन टॉपिक को, और बहुत बेहतरीन से सारे टॉपिक एक कवर करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण है एक टॉपिक, तो इसमें सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, और आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा आप सही कर दोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। देखो समझते हैं, आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता होती है जो हमारे पूर्वजों से या हमारे माता पिताओं से जो गुण हमें मिलते हैं, वो ही आपकी क्या है, आनुवंशिकता है। कैसे, देखिए, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो आपके 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 23 जोड़े है ना, 23 और 23। तो ये 23 मिलते हैं माता से, मदर से, और 23 मिलते हैं फादर से, और इन दोनों को मिलके तब आपके 46 बनते हैं जो कि एक बच्चे के अंदर होते हैं। क्लियर है? तो इन जो गुणसूत्र होते हैं आपके, इन गुणसूत्रों पर आपके कुछ संरचनाएं होती हैं, और उन्हीं संरचनाओं पे क्या होता है, वो आपकी विशेषताएं और जो आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो आपकी इन्हीं पे डिपेंड करती हैं कि आपकी जो माता पिता से जो आपकी प्रवृत्तियां आप तक पहुंच रही हैं। फिलहाल ये जो है ये आपका मेडिकल लॉजिकल चीजें हैं मेडिकली, तो वो समझने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आओ। तो आनुवंशिकता क्या हुआ कि बच्चे की मूल प्रवृत्तियां, जो बच्चा जन्म के साथ लेके पैदा हो रहा है वही उसकी आनुवंशिक गुण है। और वातावरण क्या है, बाहरी दुनिया से संबंधित या बाहरी दुनिया के द्वारा प्रभावित, यानी कि दुनिया में आने के बाद वो कहाँ पैदा हुआ है वही उसका वातावरण तय करेगा उसकी सारी चीजों को। मान लीजिए एक बच्चा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पैदा होता है, एक बच्चा तमिलनाडु में पैदा होता है, तो उनके लैंग्वेजेस अलग होंगी, उनके खाने पीने के तरीके होंगे, उनकी पढ़ाई भी अलग तरीके की होगी, स्कूलिंग अलग तरीके की होगी, वहां का मौसम अलग होगा, तो उनमें बहुत सारा अंतर अपने आप बन जाएगा। तो ये क्या हुई, ये जो बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसके वातावरण के हिसाब से हो रहा है, लेकिन उसके जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, जो आनुवंशिकता है, वो परिवर्तित नहीं होती, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। मान लीजिए एक माता पिता के जो दो बच्चे हैं और एक बच्चे को आप हिमाचल प्रदेश पहुंच दो, भेज दो, एक को तमिलनाडु भेज दो, तो उनके व्यवहारों में तो परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें उनमें मैच रहेंगी, जैसे उनकी आदतें बहुत सारी हो सकती हैं, उनकी हाइट एक जैसी हो सकती है, या उनके बोलने का, या उनके जो है बाल, मान लो घुंघराले हैं तो दोनों के हो सकते हैं, वो माता पिता से जो गुण आए हैं वो समानताएं हो सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे की लर्निंग होती है वो दोनों के द्वारा होती है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से। तो जब प्रश्न बनता है इसका, तो इसमें 99% चांसेस होते हैं कि जो ऑप्शन बनेगा आपका, जब ये दोनों एक जगह दिया हो कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के द्वारा, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। कभी भी केवल वाला ऑप्शन मत पकड़ना, केवल आनुवंशिकता या केवल वातावरण वाला, ठीक है। और बाकी वो देख लेना, अगर उसने ये पूछा है कि बच्चे की मूल प्रवृत्तियां कहाँ से आती हैं, तो आनुवंशिकता से आती है, वो प्रश्न पे आपके डिपेंड करेगा। आगे क्या है, आगे आपका सामाजिकरण टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और इससे आपका बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, मतलब हर साल मुझे लगता है कोई साल ऐसा बचता ही नहीं है जो प्रश्न ना है। इसमें क्या है, इसका सीधा अर्थ होता है समाज के नियम, संस्कृति और मापदंडों के साथ में समायोजन कर लेना, समझ रहे हो। समाजीकरण हर जगह का अपना अलग हो सकता है, अमेरिका का अलग है, इंडिया का अलग है, और आपका श्रीलंका का अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहां के समाज के नियम अलग है, समाज के संस्कृति अलग है,
तो वहां की संस्कृति के साथ में एडजस्टमेंट कर लेना ही आपका समाजीकरण है। मान लीजिए एक व्यक्ति इंडिया में बहुत ज्यादा सोशल है, बहुत ज्यादा सामाजिक है और वो एक अच्छा नागरिक है, लेकिन वही व्यक्ति हो सकता है अमेरिका में जाके अनसोशलों की लिस्ट में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में यहाँ पे है कि हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं। एक व्यक्ति है इंडिया में, वो आता है किसी के घर और अपने से बड़ों का पैर छूता है, तो वो एक अच्छा समाजीकरण माना जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अमेरिका में जाता है और किसी अंग्रेज पुरुष के पैर पड़ जाता है, पैर छू लेता है, तो वो क्या कहेंगे? कितना अनकल्चर व्यक्ति है, ऐसे कौन करता है। समझ लो ना, तो समाजीकरण सब जगह अलग अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, और जहां भी आपका ऑप्शन बनेगा वो सीधा ये लिखा होगा, समायोजन करना। इसका दूसरा भी होता है अनुकूलन करना, वो शब्द तो आप सब लोग जानते हैं ना, अनुकूलन करना का मतलब यही होता है। कहीं भी ये नहीं होगा कि समाज के नियम को जान लेना। अगर ये लिखा है ना समाज के नियम को जान लेना, तो समाजीकरण नहीं है। जानने के बाद उसके साथ में एडजस्टमेंट कर लेना, वो समाजीकरण है। तो इस चीज का हमेशा याद रखें। आगे आपका लैंगिक मुद्दे। लैंगिक मुद्दे में सिर्फ एक ही चीज है और वो है आपकी लैंगिक भूमिकाएं, रूढ़िवादिताएं जो भी हैं। तो एक चीज याद रखना, बस नर और मादा के बीच में जो भेदभाव करने वाली चीजें होती है वो नकारात्मक होती है, बाकी और कोई नहीं है। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इसी टॉपिक पर डिपेंड होते हैं, इसी लाइन पे। तो वो हमेशा आप देख के क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है लड़का लड़की में, पुरुष व्यक्ति और स्त्री में भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अगर भेदभाव हो रहा है तो नकारात्मक ऑप्शन चुन लो, अगर भेदभाव नहीं हो रहा तो पॉजिटिव चुन लो। बस इतना ही है, खेल खत्म। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे फटाफट से। तो अगला टॉपिक है आपके यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा और आपका प्रगतिशील शिक्षा, ये क्या है। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, यूं समझ लिए मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान का उद्देश्य है वो ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा हो। आजकल हमारी शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड बन चुकी है, तो इसका मतलब समझते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब सीधा तो ये होता है कि जो शिक्षा के, जो भी चीजें शिक्षा के अंदर है, उसका केंद्र बिंदु बच्चा होना चाहिए, यानी कि आपका बालक होना चाहिए। चाहे आप शिक्षण की पद्धतियों को ले लो, चाहे आपके शिक्षण के नियमों को ले लो, या जितनी भी चीजें हैं, चाहे एनवायरमेंट को ले लो, स्कूल की सेटिंग को ले लो, स्कूल की बिल्डिंग को ले लो, सारी की सारी किस पर डिपेंड करती हैं कि बालक के अनुसार होनी चाहिए। तो इसमें बच्चा कैसा हो, प्रश्न को समझ पहचान, मतलब प्रश्न का उत्तर पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये टैगवर्ड्स मान लो, आप जो भी मान लो, बच्चा कैसा हो, बच्चा सक्रिय होना चाहिए, केंद्र बिंदु होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चे को आप कभी भी बाधित नहीं करेंगे, ये याद रखेंगे। स्व अनुशासित, मतलब बच्चे पे आप दबाव नहीं डालेंगे, अनुशासन, कठोर अनुशासन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे को आप ऐसी चीजें सिखा देंगे या बच्चे को ऐसी नैतिक विकास बच्चे का करेंगे कि बच्चा खुद से अनुशासन में रहे, ये है स्व अनुशासित। बच्चा चिंता मुक्त होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए बच्चा, डरा धमका के नहीं रखेंगे आप, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, मतलब आप बच्चे के, बच्चा जो है, बच्चे को जिज्ञासा बच्चे के अंदर पैदा करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि वो प्रश्न पूछ सके आपसे, आपकी क्लास के बीच में भी। कार्यों में भाग लेने वाला होना चाहिए, हमेशा बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। मुख्य भूमिका बच्चे की होती है बाल केंद्रित शिक्षा में। समान अधिकार होता है सभी बच्चे का, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो किसी भी कितनी भी बुद्धिलब्धि हो, बच्चे का सम्मान होना चाहिए कक्षा के अंदर, ये चीज। शिक्षक कैसा होता है, शिक्षक जो है वो निर्देशक के रूप में होता है। गौण भूमिका होती है, गौण मतलब द्वितीय। सहायता करने वाला होना चाहिए बच्चा, शिक्षक मार्गदर्शक होता है, आदर्श होता है बच्चे का, और आपका शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होना चाहिए। यह है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। अब जो इसका दूसरा पार्ट है प्रगतिशील शिक्षा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट। तो देखो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा तो मैंने आपको समझा दिया, अब प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हम प्रगति कर रहे हैं, मतलब जो भी नई चीज आ रही है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक नई चीज क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। जैसे कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर के द्वारा हमने क्लासेस स्टार्ट की, यानी कि एक नई चीज आई शिक्षा के क्षेत्र में। प्रोजेक्टर आया, हमने बच्चों को प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये क्या है, नई चीज। खेल विधि आई, प्रोजेक्ट विधि आई, हमने बच्चों को यात्राओं पर ले जाना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा ले जाते थे, पहले तो स्कूल के जगह छुट्टी हो गई, 10 तक पढ़ लिया, मतलब हाई स्कूल पास कर लिया, आज तक पड़ोस का दूसरा विद्यालय नहीं देखा, कभी भ्रमण ही नहीं होता था। आजकल नई नई चीज आ रही है, बच्चों को विजिट पे ले जाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रगतिशील शिक्षा है। बहुत सारे एक्ट बन चुके हैं, जैसे कि आपका जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आया, आपका NCF आया 2005, ये सब क्या है, ये सब इसी के अंदर आ रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। तो ये है आपकी प्रगतिशील शिक्षा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, वीडियो भी स्किप मत कर देना, और लास्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। एक तो लास्ट में पूरी वीडियो देख के जाना, दो चार मिनट फालतू भरे लग जाए आपके, लेकिन उस बात को समझ के जाना ढंग से।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। और ये आपका जो है ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आ रहा है, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसपी, केवीएस, हर एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि ये अभिन्न अंग है आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इसको समझ जाएंगे कि क्यों है ये अभिन्न अंग। देखिए समझ लेते हैं, निदानात्मक परीक्षण अपने आप में अलग चीज है, उपचारात्मक शिक्षण अलग चीज है, साथ में काम करते हैं लेकिन दोनों का अस्तित्व अपने आप में अलग अलग है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निदानात्मक भी परीक्षण है, उपचारात्मक भी परीक्षण है, या निदानात्मक भी शिक्षण है, उपचारात्मक भी शिक्षण है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, निदान का मतलब होता है निदान बना, निदानात्मक बना निदान से, और निदान का मतलब होता है पहचान करना, इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है, यानी कि आपकी बीमारी का पता लगाता है, जो बीमारी के कारण है उसका पता लगाता है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। इसी प्रकार से ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बच्चे की कमियों, त्रुटियों, समस्याओं, कठिनाइयों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, आपका निदानात्मक परीक्षण आपका कहलाता है। अब जब हमने पता लगा लिया, पता लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, चाहे आप ऑब्जर्वेशन के द्वारा लगा रहे हैं, चाहे आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, चाहे बच्चों की परीक्षा आप मौखिक रूप से ले रहे हैं, तो वो आपके तरीके हो सकते हैं, चाहे जांच सूची के द्वारा आप ले रहे हैं, तो वो आपके तरीके हो सकते हैं कि आप निदानात्मक परीक्षण किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम बच्चे की जो भी कमियां हैं, बच्चा जहां पे भी गलती कर रहा है, बच्चा अगर किसी पार्ट को नहीं सीख रहा तो क्यों नहीं सीख रहा, बच्चे को अगर कोई सवाल करने में कठिनाई आ रही है तो क्यों आ रही है, बच्चा अगर किसी पार्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा है, उन सभी कारणों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण होता है। अब पता तो आपने लगा लिया, उसको ठीक भी तो करना है, तो उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया है, उन कमियों को, उन त्रुटियों को दूर करने की जो प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। क्लियर हो रहा है कुछ, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हाँ, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है यानी कि जो ठीक करने की प्रक्रिया है, उसका सारा का सारा आधार क्या है, आधार है आपका निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि अगर आप निदानात्मक परीक्षण सही नहीं कर पाए तो उपचारात्मक शिक्षण तो सही कर ही नहीं पाओगे। भाई सीधी सी बात है, अगर बीमारी का कारण सही पता नहीं चल पाया तो इलाज सही कैसे हो सकता है। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने, आप डॉक्टर के पास गए तो आपको टाइफाइड हुआ है और वो सही से पहचान नहीं कर पाया और आपको मलेरिया की दवाई खिलाया जा रहा है, तो आप ठीक थोड़ा होगे, आपको तो दूसरी बीमारी भी लग जाएगी। तो यही यहाँ पे डिपेंड करता है, जब तक डॉक्टर सही मरज उसकी बीमारी का सही कारण का पता नहीं लगाएगा तब तक सही इलाज भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप बच्चे की सही कठिनाइयों के कारणों का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो उनको दूर भी आप सही से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज है निदानात्मक परीक्षण, कठिनाइयों का पता लगाना, उपचारात्मक शिक्षण उनको दूर करना। और ये प्रक्रिया जो है तब तक चलती रहती है जब तक कि बच्चे की कठिनाइयां पूर्ण रूप से दूर ना हो जाए। जब आपने बच्चे को कोई पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद में आपने कठिनाइयों का पता लगाया और आप दोबारा से शिक्षण करते हैं, उसके बाद भी आप दोबारा से मूल्यांकन करेंगे कि क्या कठिनाई पूरी हो चुकी है, खत्म या नहीं हुई है। अगर खत्म हो गई है तो ठीक है, और अगर खत्म नहीं हुई है तो दोबारा से शिक्षण करेंगे। ये है पूरी प्रोसीजर। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। अब इसके अंदर जो है हमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, सभी प्रकार मतलब सभी प्रकार, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी देश के हों, समझ रहे हो, मतलब अगर बाहर के कोई देश का आके और आपके यहाँ पे शिक्षा लेना चाहे तो आप उसे भी मना नहीं कर सकते, यहां तक है इसमें समावेशी शिक्षा में। चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी का हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो विजुअली हैंडीकैप्ड है, चाहे वो दृष्टिबाधित या फिर वो श्रवण बाधित है, या वो किसी प्रकार से भाषा विकार उसमें है, किसी भी प्रकार का बच्चा हो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब उसको पढ़ाने के लिए आप जो है अपने शिक्षण अधिगम जो आपकी सामग्री होती है उसमें चेंजिंग करेंगे, आपकी शिक्षण अधिगम पद्धति होगी उसमें चेंजिंग करेंगे, आप विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, मौखिक भाषा ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, आप जो है उन्हें ऑडियो चीजें प्रोवाइड कराएंगे, ऑडियो कैसेट वगैरह, वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। समान शिक्षा देनी होगी, एक ही कक्षा में देनी होगी, बिल्कुल बराबर का सम्मान देके करनी होगी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, अब आपका आगे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो लास्ट तक देखना, अभी 2-3 मिनट और है, पूरा वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अब आपको क्या करना है, आपके कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, काफी सारे जो है टॉपिक्स आपके बच गए हैं इसमें, उसके लिए आपको क्या करना है, एक वीडियो जो मैंने अभी आपको बताया था जो कि संपूर्ण सीटेट का वीडियो था, जिसमें से आपके 70 क्वेश्चंस फंसे थे, केवल एक वीडियो में आपके सीटेट के पेपर में 70 क्वेश्चन फंसे हैं, वो वीडियो आपको देखना होगा। और वो वीडियो मिलेगा कैसे, उसका एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्या संपूर्ण सीटेट, संपूर्ण की स्पेलिंग SAMPURN, यह हिंदी में भी लिख सकते हैं संपूर्ण सीटेट, आगे लिख देना एसए टीचर एकेडमी, तो वो वीडियो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। 5 लाख लोगों ने लगभग उसको देखा है, बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके वीडियो है। तो उसके अंदर आपको इसी प्रकार से, इसके अलावा जो प्याजे की थ्योरी बची है कार्लबर्ग का और आपका वाइगोत्स्की का, और इसके अलावा भी बहुत सारे मूल्यांकन हो गए आपके, बहुत सारे जो अदर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वो वीडियो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, आपको नौकरी तक पहुंचा जाएगी, DSSB तक, तो बिल्कुल वो वीडियो देखें। दूसरा, हिंदी की मैराथन क्लास हो चुकी है आपकी यूपी टेट के लिए, और जो अदर आपके एग्जाम होंगे तो उसके अंदर व्याकरण पूरी है, वो आपकी KVS में, DSSB में, NVS में सब में काम आएगी। उसके लिए करना होगा, उसके लिए लिखना है आपको यूपी टेट हिंदी मैराथन क्लास एस टीचर अकेडमी, चैनल का नाम आगे लिख लेना, उससे सबसे पहले ऊपर वीडियो दिख जाएगी आपको, तो ढूंढने में आसानी होगी। YouTube पे सर्च करना है यूपी टेट हिंदी मैराथन क्लास एस टीचर अकेडमी, तो वहां पे संपूर्ण हिंदी वाली आपकी आ जाएगी। ये दो वीडियो देख लो, इन दो वीडियो से मैं कहता हूँ आपके 60-70 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो ये देखनी है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट है, अगर टाइम मिलता है तो चैनल पर जाके शिक्षा मनोविज्ञान के बड़े बड़े मतलब पूरे फुल वुल वाले जो लेक्चर हैं वो तो आप देख सकते हैं, तो बाकी आप प्लेलिस्ट चेक करो जाके, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा जब आप हमारे चैनल पर जाओगे तो उसके नीचे आपको 2-3 चैनल और मिलेंगे जो कि हमारे नए चैनल हैं, उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उनके नाम क्या है वहां पे लिखा होगा आपके नीचे, एक तो है आपका SA न्यूज, एक है आपका SA करंट अफेयर, जिसपे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, तो उस पर करंट अफेयर जल्दी स्टार्ट करेंगे, और एक है आपका SA व्लॉग्स। तो ये तीनों चैनल सब्सक्राइब कर लो और ये भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक यूपी टेट के नोट्स नहीं लिए तो जल्दी से नोट्स लो, क्योंकि अगर आप 3 दिन पहले भी नोट्स ले रहे हैं तो आपको पूरा 100% बेनिफिट मिलेगा, और आपको ये बात मेरी माननी चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ रिस्क मत लो। अगली बार अगर किसी वजह से अगर आप फेल हो गए तो अगली बार पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा और नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे, इसलिए नोट्स लो अभी से। और मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेनिफिशियल आपके लिए है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नोट्स मिल जाएंगे। 500-700 रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं होती आपकी लाइफ बनाने के लिए, तो यहाँ पे। और ये मत कहना कि फ्री में दे दो, क्योंकि भाई हजारों से ज्यादा मतलब इतने लोग जो है खरीद चुके हैं नोट्स, अगर मैं एक को भी फ्री में दे दूंगा ना तो वो मुझे गालियां देंगे बाकी के लोग कि सर हमें पैसों में दिए और किसी को फ्री में दे रहे हो, तो इस चीज को याद रखो, मैं ये चीजें मत बोलना, सीधी बात ये है, वहां पे जाके और नोट्स खरीदो, सीटेट 2020 के भी ले लो अभी से, और क्लास भी स्टार्ट कर दी है तो सीटेट 2020 की तैयारी भी स्टार्ट कर दो। और जो लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी से जल्दी। इस वीडियो को एग्जाम से पहले पहले सभी कैंडिडेट तक पहुंचा दो, कम से कम 10 लाख लोग देखने चाहिए, 20-25 लाख फॉर्म भरते हैं यूपी टेट का, तो कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, तब आपकी जो है सपोर्ट मुझे मिलेगा और मेरी मेहनत सफल होगी, इतनी कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगली क्लास का टॉपिक बता देना कमेंट में लिख के, मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।